ना, चुनाव के टाइम पे सब लोग बात ही करते हैं। चुनाव को लेकर ये है कि किसी का कोई वजूद नहीं रहेगा या ना किसी के लिए अपन। दतिया जिले की ग्राम पंचायत गुर्जरा एवं ग्राम पंचायत उनाव के बीच लगने वाले ग्राम घिसलानी की जनता ने आगामी समय में चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। आपको बता दें कि वीडियो में अब जो लोग रास्ते में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यह ग्राम घिसलानी के निवासी हैं, जो गांव के लोग एवं शिक्षा के लिए जाने वाले गांव के बच्चों के लिए सड़क दुरुस्त का कार्य कर रहे हैं। ये लंबे समय से इस गांव में कस्बा उन्नाव को जोड़ने वाली सड़क जर्जर अवस्था में है। ग्रामीणों को जीवन यापन संबंधित वस्तुएं उन्नाव कस्बे से लेनी पड़ती है। बरसात में यह रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, जिस पर चुनाव के समय स्थानीय विधायक एवं सरपंचों ने सड़क डालने का आश्वासन दिया, लेकिन लगभग 7 से 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बरसात आने पर बच्चों को स्कूल जाने में एवं ग्रामीण लोगों को खाद्य सामग्री लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। है ना, चुनाव के टाइम पे सब लोग बात ही करते हैं। चुनाव को लेकर ये है कि किसी का कोई वजूद नहीं रहेगा या ना किसी के लिए अपन सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम किसी को क्यों सपोर्ट करेंगे। यहाँ से हमसे कोई उम्मीद भी लेके नहीं आ सकता है। कम से कम 5-10 साल से सड़क नहीं गिरी और हम ग्रामवासी डाल रहे हैं सड़क खुद पैसा खर्च करके, और ना विधानसभा के कोई सुनते हैं और ना विधायक, कोई नेता नहीं सुनता है। जब सरपंच एवं जनप्रतिनिधि नेताओं ने नहीं सुनी तो आखिरकार निजी खर्चे से मोरम की सहायता से ग्रामीणों ने सड़क को दुरुस्त करना ही बेहतर समझा। ग्रामीणों ने बताया उनकी इस समस्या की ओर किसी भी नेता या सरपंच ने ध्यान नहीं दिया। आगामी समय में चुनाव है तो गांव की जनता भी किसी नेता पर ध्यान नहीं देगी। सड़क उनकी, गांव उनका, मिलकर उसको सही करा ही लेंगे, पर आगामी समय में किसी भी नेता को अपना वोट नहीं देंगे। काफी लंबे समय से ये रोड खराब है, यहाँ आने जाने के लिए बरसात में अत्यंत समस्या खड़ी होती है। डिलीवरी के समय कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से 9 किलोमीटर का राउंड मार के हमें जाना पड़ता है। फिसलनी से गुजर रहा से प्रासी तब अपन उनाव आ पाते हैं। इसलिए काफी लंबे समय से इस रोड की समस्या चल रही है। बार बार पेपरों में आता है रोड पास हो गया, रोड होता ही नहीं है। तब ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर, हम सब लोगों ने मिलकर, सबने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 पैसे इकट्ठे करके 50,000 रुपए ये मुरम इस रोड पे हम लोग डलवा रहे हैं। अपना सहयोग करेंगे, स्वयं अपना रोड हमारा है तो सहयोग भी हम ही को करना है, रोड भी हम ही को डालना है। शासन सुने न सुने वो बात की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी आगामी समय में चुनाव होने हैं तो इस मुद्दे को कहां तक पहुंचाया जाएगा? अब चुनाव की तो जनता है, जनता खड़ी है, जनता जनार्दन है। जो इसका निर्णय जनता का जिसके प्रति होगा, वो प्रतिनिधि नहीं जाए प्रतिनिधि बनेगा। जनता चाहे तो बहिष्कार करे, जनता चाहे तो वोट डाल सकती है। लेकिन जहां टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए दतिया से विकास सेन की रिपोर्ट। मैं उसी पवन मां और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। है ना, चुनाव के टाइम पे सब लोग बात ही करते हैं। चुनाव को लेकर ये है कि किसी का कोई वजूद नहीं रहेगा या ना किसी के लिए अपन। दतिया जिले की ग्राम पंचायत गुर्जरा एवं ग्राम पंचायत उनाव के बीच लगने वाले ग्राम घिसलानी की जनता ने आगामी समय में चुनाव बहिष्कार का मन बना लिया है। आपको बता दें कि वीडियो में अब जो लोग रास्ते में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यह ग्राम घिसलानी के निवासी हैं, जो गांव के लोग एवं शिक्षा के लिए जाने वाले गांव के बच्चों के लिए सड़क दुरुस्त का कार्य कर रहे हैं। ये लंबे समय से इस गांव में कस्बा उन्नाव को जोड़ने वाली सड़क जर्जर अवस्था में है। ग्रामीणों को जीवन यापन संबंधित वस्तुएं उन्नाव कस्बे से लेनी पड़ती है। बरसात में यह रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, जिस पर चुनाव के समय स्थानीय विधायक एवं सरपंचों ने सड़क डालने का आश्वासन दिया, लेकिन लगभग 7 से 8 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बरसात आने पर बच्चों को स्कूल जाने में एवं ग्रामीण लोगों को खाद्य सामग्री लाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। है ना, चुनाव के टाइम पे सब लोग बात ही करते हैं। चुनाव को लेकर ये है कि किसी का कोई वजूद नहीं रहेगा या ना किसी के लिए अपन सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम किसी को क्यों सपोर्ट करेंगे। यहाँ से हमसे कोई उम्मीद भी लेके नहीं आ सकता है। कम से कम 5-10 साल से सड़क नहीं गिरी और हम ग्रामवासी डाल रहे हैं सड़क खुद पैसा खर्च करके, और ना विधानसभा के कोई सुनते हैं और ना विधायक, कोई नेता नहीं सुनता है।
जब सरपंच एवं जनप्रतिनिधि नेताओं ने नहीं सुनी तो आखिरकार निजी खर्चे से मोरम की सहायता से ग्रामीणों ने सड़क को दुरुस्त करना ही बेहतर समझा। ग्रामीणों ने बताया उनकी इस समस्या की ओर किसी भी नेता या सरपंच ने ध्यान नहीं दिया। आगामी समय में चुनाव है तो गाँव की जनता भी किसी नेता पर ध्यान नहीं देगी। सड़क उनकी, गाँव उनका, मिलकर उसको सही करा ही लेंगे, पर आगामी समय में किसी भी नेता को अपना वोट नहीं देंगे। काफी लंबे समय से ये रोड खराब है, यहाँ आने जाने के लिए बरसात में अत्यंत समस्या खड़ी होती है। डिलीवरी के समय कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से 9 करोड़ मिलकर राउंड मार के हमें जाना पड़ता है। फिसलनी से गुजर रहा से प्रासी तब अपन उनाव आ पाते हैं। इसलिए काफी लंबे समय से इस रोड की समस्या चल रही है। बार बार पेपरों में आता है रोड पास हो गया। रोड होता ही नहीं है। तब ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर, हम सब लोगों ने मिलकर, सबने, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000 पैसे इकट्ठे करके 50,000 रुपए ये मुरम इस रोड पे हम लोग डलवा रहे हैं। अपना सहयोग करेंगे, स्वयं अपना रोड हमारा है तो सहयोग भी हम ही को करना है, रोड भी हम ही को डालना है। शासन सुने न सुने वो बात की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी आगामी समय में चुनाव होने हैं तो इस मुद्दे को कहाँ तक पहुँचाया जाएगा? अब चुनाव की तो जनता है, जनता खड़ी है, जनता जनार्दन है। जो इसका निर्णय जनता का जिसके प्रति होगा वो प्रतिनिधि नहीं जाए प्रतिनिधि बनेगा। जनता चाहे तो बहिष्कार करे, जनता चाहे तो वोट डाल सकती है। लेकिन जहाँ टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए दतिया से विकास सेन की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।